नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में बस 9 दिन का वक्त बाकी है। पॉलिटिकल पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस जो पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है वो सत्ता हासिल करना चाहती है। तो वहीं नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस चल रही है। मैच से पहले जैसे क्रिकेटर दिन रात नेट पर पसीना बहाते हैं, ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी वोटिंग से पहले ताबड़तोड़ रैलीज कर रहे हैं, और इसके पीछे वो टारगेट है जो खुद मोदी ने रखा है, मतलब अब की बार 400 पार। और इसके लिए नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर हैं और वहां कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कभी कमल खिला ही नहीं। जी हां, मैं बात कर रही हूं देश के सबसे सर्दर्न स्टेट तमिलनाडु की। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम से तमिलनाडु दौरे पर हैं। पिछले 21 घंटे उन्होंने तमिलनाडु में गुजारे हैं। इन 21 घंटे में मोदी ने एक रोड शो किया, दो रैलीज को संबोधित किया। तमिलनाडु की धरती से नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, कैसे एंटी सनातन गैंग को चुन चुन कर जवाब दिया, सब कुछ एक एक करके आपके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले बात करती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रोड शो की जिसकी आज हर तरफ चर्चा हुई। दरअसल नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए करीब 21 घंटे पहले यानी कि कल शाम 6 बजे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से पौंडे बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो की शुरुआत की। तस्वीरें आपके सामने हैं। करीब 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, जिसकी तस्वीर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। प्रधानमंत्री के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। जरा एक एक आंख को गौर से देखिएगा, लोगों की इस भीड़ को देखिएगा, प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े हुए लोगों के चेहरे को देखिएगा। भीड़ इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो ये दक्षिण नहीं बल्कि उत्तर भारत का कोई शहर हो। जब वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने के लिए जाते हैं तो क्या ऐसी भीड़ नहीं दिखाई देती? क्या ऐसे चेहरे नहीं दिखाई देते? क्या आंखों में आंसू नहीं दिखाई देते? क्या लोग भावुक नहीं दिखाई देते? कोई भारत माता की जयकारे लगा रहा था। दक्षिण भारत का तमिलनाडु है, ये चेन्नई है। पूरा माहौल मानो इस तरह था जैसे कि कोई विजेता जंग जीत कर लौटा हो, या फिर उस नायक की तरह जो जंग में जा रहा है और लोगों को आस है कि वो जीत कर लौटेगा। नरेंद्र मोदी भी तमिल अटायर में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सफेद शर्ट और वेटी पहन रखी है, कंधे पर भगवा गमछा लपेट रखा है और हाथ में पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल को थाम रखा है। क्या लोग नहीं जानते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पार्टी से आते हैं? देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं, लेकिन बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में कमल का फूल है, क्योंकि एक एक चेहरे को वो याद दिला देना चाहते हैं जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। वोट वहां देना है। खुली जीप में रोड शो हो रहा है। उस दौरान तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्ना मलाई भी उनके साथ ही नजर आ रहे हैं, जो कोयम्बटूर से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। प्रधानमंत्री पर जिस तरह से फूलों की बारिश हो रही थी, उससे मानो ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी दक्षिण में नहीं बल्कि वाराणसी या अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हों। प्रधानमंत्री भी दिल से लोगों के अभिवादन को कभी हाथ हिलाकर, कभी हाथ जोड़कर, कभी सिर झुकाकर स्वागत कर रहे हैं। कोई ढोल की थाप पर नाच रहा था, कोई मोदी मोदी चिल्ला रहा था। कहा जा रहा है कि चेन्नई में मोदी को लेकर ऐसा क्रेज इससे पहले कभी नहीं देखा गया जो आज देखा गया। कहा जाता है कि अगर नरेंद्र मोदी को 400 पार जाना है तो उन्हें तमिलनाडु में कमल खिलाना होगा। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की 39 सीटें हैं, लेकिन अब तक बीजेपी को यहां पर कभी जीत नहीं मिली। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने जिस तरह से जमीन पर काम किया है, पार्टी को ऐसा लगता है कि इस बार उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। बेहतर ही नहीं बल्कि उन्हें तो बेहतरीन होने की उम्मीद है। चेन्नई में कल रोड शो करने के बाद नरेंद्र मोदी ने आज दो रैलीज को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी की जनसभा वेल्लोर में हुई, तो वहीं दूसरी रैली कोयम्बटूर के मेट्रोपालियम में हुई। आपको बताऊंगी कि मोदी ने मेट्रोपालियम में रैली क्यों की और इसके पीछे उनका मकसद क्या है। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन विरोधियों को जो जवाब दिया है वो आपको सुनना चाहिए।
तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है, लेकिन इंडी अलायंस के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही मानसिकता डीएमके की भी है। ये लोग एक सनातन के विनाश की बात करते हैं, राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं। डीएमके और ईडी गठबंधन महिलाओं के अपमान में भी पीछे नहीं है। इन्होंने अम्मा जयललिता के साथ कितना गलत व्यवहार किया था, आज भी डीएमके नेता महिलाओं के अपमान में कैसी कैसी भाषा बोलते हैं, ये तो यही वेलूर के लोगों ने ही देखा है। बीजेपी को एनडीए को दिया आपका आशीर्वाद सनातन शक्ति की रक्षा करेगा और महिलाओं का सम्मान भी बढ़ाएगा। एंटी सनातन मोर्चे को नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर की धरती से साफ साफ संदेश दिया कि इस बार तमिलनाडु की जनता सनातन विरोधियों को मौका नहीं देगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया कि बीजेपी और उनका गठबंधन एनडीए ही है जो सनातन की रक्षा करेगा, जो महिलाओं को सम्मान देगा। दरअसल अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की धरती से सनातन विरोधियों को जवाब क्यों दे रहे हैं, तो इसके पीछे आपको याद करना होगा 7 महीने पहले जो डीएमके के नेता और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना और डेंगू जैसी बीमारियों से की थी और इसे खत्म करने की बात कही थी, और अब नरेंद्र मोदी ने इसी का जवाब चेन्नई से दिया। डीएमके और इंडी अलायंस के लोग तुष्टीकरण के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। यही कोयंबटूर में हमारे पवित्र संगमेश्वरा मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था, लेकिन डीएमके सरकार कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के जगह उन्हें बढ़ावा दे रही है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण होता है, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। मैं तमिलनाडु में भगवान राम से जुड़े स्थानों पर आता हूं, इन्हें उससे भी तकलीफ होती है। ये लोग तो सनातन धर्म को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं। नए संसद भवन में तमिलनाडु की संस्कृति से जुड़े पवित्र सेंगोल की स्थापना होती है, डीएमके उसका बायलोकॉट करती है। नरेंद्र मोदी ने डीएमके की पॉलिटिक्स पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि डिवाइड और डिवाइड और डिवाइड, यही पार्टी देश के लोगों को भाषा के नाम पर तोड़ती है, उत्तर को दक्षिण से काटती है। डीएमके पार्टी की पॉलिटिक्स का मुख्य आधार है डिवाइड डिवाइड और डिवाइड। ये पार्टी देश के लोगों को भाषा के नाम पर लड़ाती है, क्षेत्र के नाम पर लड़ाती है, धर्म और जाति के नाम पर लड़ाती है। डीएमके को पता है कि जिस दिन लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स समझ गए, ये डीएमके को एक वोट नहीं मिलेगा, एक वोट। इसलिए ये लोग को आपस में लड़ाते हैं। मैंने भी ठान लिया है कि डीएमके की इस दशकों पुरानी खतरनाक पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके ही रहूंगा।
भारत की एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा के अंदर एक ही लोकतंत्र है, एक ही संविधान है, नेता चुनने की भी एक ही प्रक्रिया है, तो उत्तर और दक्षिण की राजनीति अलग कैसे हो सकती है? शायद उसी तरफ प्रधानमंत्री इशारा भी कर रहे हैं। इधर मोदी ने डीएमके नेता ए राजा को भी इशारों में करारा जवाब दिया। दरअसल डीएमके नेता ए राजा ने कहा था कि भारत एक देश नहीं है, ये एक उपमहाद्वीप है जहां तमिल और मलयालम देश है। साथ ही उन्होंने गौ मांस खाने वालों की भी वकालत कर दी थी। तमिलनाडु के लिए एक डेवलप भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसा कर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है, 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट फैमिली पॉलिटिक्स, सेकंड करप्शन, थर्ड एंटी तमिल कल्चर। करप्शन पर तो डीएमके ने पहला कॉपीराइट करवाया हुआ है। पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है। अभी खुलासा हुआ है कि सैंड स्मगलर्स ने 2 इयर्स में तमिलनाडु का 4600 करोड़ रुपीज का लॉस किया है। आप कल्पना करिए, पूरे तमिलनाडु में लूट का कितना बड़ा खेल चल रहा है। हम केंद्र सरकार से तमिलनाडु के लिए, विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं। ये पैसा भी डीएमके के करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। डीएमके ने तमिलनाडु और देश के भविष्य, हमारे छोटे छोटे बच्चों तो को नहीं छोड़ा है, स्कूल तक ड्रग्स कारोबार का शिकार हो गए हैं। इन ड्रग्स माफियाओं को किसका संरक्षण हासिल है? एनसीबी ने जिस ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार किया है, उसके संबंध किस फैमिली से है, ये पता चलना ही चाहिए। इस चुनाव में तमिलनाडु की जनता इन सब पापों का हिसाब करेगी। अब तमिलनाडु इस बार सरप्राइज करता है या नहीं, ये तो पोलिंग के बाद 4 जून को रिजल्ट डेट पर पता चलेगा। लेकिन तमिलनाडु का नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इलाके के साथ ऐसी कई सारी बातें जुड़ी हुई हैं जो इसे नेशनल लेवल पर चर्चा दिलाती हैं। ये वही क्षेत्र है जहां से ए राजा ने चुनाव जीता था। ये वही क्षेत्र है, ये वही नेता है जिनका नाम 2G मामले में सामने आया था। पर्वतीय क्षेत्र है और टॉय ट्रेन की सवारी के साथ साथ यहाँ की चाय और कॉफी की खेती के लिए भी इस इलाके को जाना जाता है। पर्यटन और खेती यहाँ की इकोनॉमी का आधार है। बीजेपी ने यहाँ से अपने दिग्गज नेता एल मुरुगन को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं डीएमके की तरफ से ए राजा चुनावी मैदान में हैं। कांगो और नीलगिरी की ये भूमि बीजेपी के लिए हमेशा ही खास रही है। अटल जी के समय में नीलगिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने बीजेपी को
जबरदस्त समर्थन देकर यहां बीजेपी का सांसद बनाया था। आज मैं देख रहा हूं पूरे तमिलनाडु में बीजेपी ही छाई हुई है। हर कोई कह रहा है डीएमके की विदाई बीजेपी और एनडीए के द्वारा ही होगी। आज पूरा तमिलनाडु कह रहा है एक बार मोदी सरकार। मोदी जब आज कोयंबटूर में जनता को संबोधित कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे, उस वक्त मंच पर उनके एक तरफ अन्ना मलाई थे और दूसरी तरफ वेल्लोर से बीजेपी के कैंडिडेट एसी षणमुगम थे। आइए एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ, जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको ले चलती हूँ। दो चेहरे जो तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं, इनमें से एक नेता है अन्ना मलाई, जो कि तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, वो इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको जानकारी दे दें, दूसरा चेहरा था षणमुगम का। मोदी यहां से नीलगिरी के साथ ही वेल्लोर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों चेहरे आज मंच पर दिखाई दे रहे थे, दोनों के गले में बीजेपी का पटका दिखाई दे रहा था उस वक्त जब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे। वो तस्वीर भी देखने वाली थी। जब तक ये रोड शो चलता रहा तब तक अपने हाथ में कमल का फूल लिए पीछे पीछे के अन्ना मलाई भी लोगों से अपील करते रहे। ये दोनों तस्वीरें आप देखें, ये दोनों चेहरों को आप देखें। मोदी नीलगिरी के साथ साथ वेल्लोर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण की इस फाइट में तमिलनाडु से जितनी सीटें वो अर्जित कर पाए, देखिए मैं इसी तस्वीर की बात करी थी। ये रोड शो चल रहा था, लोगों के चेहरों को देखें, छोटे छोटे बच्चों को देखें, ये वोटर नहीं है लेकिन मोदी को देखकर खुश हो रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, हाथों में अपने फोन लेकर वीडियो कैप्चर करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का जैसे मानो उन्हें मौका मिल गया। इनके हाथ में देखिए कमल का चिन्ह, जरा इस तस्वीर को फिर से आप गौर से देखिएगा, कमल का फूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में। उनके साथ इसी रोड शो में अन्ना मलाई मौजूद थे, उनके भी हाथ में वही कमल का फूल दिखाई दे रहा है। जरा इन चेहरों को देखें, उनके हाथों में फूल देखें, ये देखिए बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही है, इसकी आंखों में आंसू है, हाथों में फूल है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने की एक अभिलाषा के साथ वो यहां पर इंतजार कर रही थी। इस महिला को देखिए, हिजाब पहना हुआ था उस महिला ने, वो भी नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही थी। ये तस्वीर आप देखिए और कमल का निशान देखिए। तमिलनाडु की सियासत में पिछले 2 से 3 सालों में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में लगातार रहा है वो है अन्ना मलाई, उनकी अब बात कर लेते हैं। 39 साल के इस युवा नेता और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के अन्ना मलाई के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। एक ऐसा चेहरा, अगर हम दक्षिण के कुछ चुनिंदा चेहरों की बात करें और मौजूदा युवा चेहरों की बात करें तो उनमें से के अन्ना मलाई का नाम सबसे ऊपर आएगा, जो लगातार नॉर्थ में भी चर्चा का विषय है। पिछले कुछ महीनों में अन्ना मलाई ने तमिलनाडु की सियासत में जो चर्चा बटोरी है वो शायद ही किसी और सियासी लीडर ने बटोरी होगी। एक ऐसे राज्य में जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 3.66% वोट मिले, सोचिए जरा 3.66% वोट मिले, जहां पर आज वहां पार्टी दूसरे नंबर की दावेदार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे वजह एक ये चेहरा के अन्ना मलाई का भी है। बीजेपी ने तमिलनाडु में हाल फिलहाल में जो हलचल मचाई है उसके पीछे है यही चेहरा। ये पूर्व IPS रहे हैं, पुलिस के अधिकारी रहे हैं के अन्ना मलाई, प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद कहे जाते हैं। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तमिलनाडु में जमीन आसमान एक कर दिया है। किसान परिवार में पैदा हुए अन्ना मलाई ने कोयंबटूर से बीटेक करने के बाद लखनऊ IIM से MBA किया। इनके पास मौका था, पुलिस की नौकरी भी थी, सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी, अधिकारी भी बन गए, लेकिन फिर भी उन्होंने राजनीति को चुना। तमिल, अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सब पर अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, पकड़ रखते हैं। अन्ना मलाई की गिनती तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में होती थी। यहां तक कि जिन इलाकों में बतौर पुलिस अधिकारी उनकी तैनाती होती थी वहां के लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब वो राजनीति में आ चुके हैं। अन्ना मलाई लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी में सबसे बड़े ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। तमिलनाडु की सियासत में पिछले 2-3 सालों में अन्ना मलाई ने जो असर पैदा किया है उसकी मिसाल बहुत ही कम देखने को मिलती है।
और यही वजह है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। तमिलनाडु में आज से 9 दिन के बाद चुनाव है और ऐसे में सभी सियासी पार्टी जोर शोर से चुनाव के प्रचार में जुटी हुई है। राज्य की सभी 39 सीटों के लिए पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी का टारगेट इसलिए तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर 400 पार करना है तो दक्षिण भारत में उन्हें ये जीत चाहिए ही चाहिए। बीजेपी का इसलिए पूरा फोकस इस बार तमिलनाडु पर है और अपने कैडर और क्रेडिबिलिटी, अपने लीडर पर वो भरोसा कर रहे हैं। बीजेपी को 2014 के चुनाव में जहां 5.5% वोट मिले थे, वहीं 2019 में पार्टी को 3.6% वोट मिले। इस बार पार्टी की कोशिश है कि इस आंकड़े को बढ़ाया जाए। कन्याकुमारी, कोयम्बटूर और वेल्लोर, अब इन तीन इलाकों की बात करते हैं, तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कन्याकुमारी की। तमिलनाडु की एकमात्र सीट जहां से 2014 में बीजेपी के सांसद बने थे। आइए एक बार फिर से आपको बिग स्क्रीन पर ले चलती हूं। हम बात कर रहे हैं कन्याकुमारी की। बीजेपी के सांसद यहीं से बने थे। 10 साल के बाद 2024 में एक बार फिर यहां बीजेपी को जीत मिल सकती है। 2024 में ये संभावना दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इसके लिए पी राधाकृष्णन को अपना टिकट दिया और उनका मुकाबला इस वक्त कांग्रेस की विजय सावंत से है। कन्याकुमारी के साथ ही बीजेपी को कोयम्बटूर भी जीतने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को टिकट दिया है। कन्याकुमारी और कोयम्बटूर के अलावा एक और ऐसी सीट यानी कि वेल्लोर की हम बात करते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। वेल्लोर में भी कमल खिलने की संभावना नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए इस बार कच्चा थीवू का मुद्दा भी उठाया है और इस मुद्दे के जरिए वहां के रीजनल सेंटिमेंट्स को भी एक्वायर करने की कोशिश की है, लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की है, जिससे डीएमके और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। वेल्लोर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कच्चा थीवू द्वीप का मुद्दा उठाया। इस द्वीप को श्रीलंका को कैसे दिया गया और कैसे वहां की डीएमके चुप होकर ये सब कुछ होता हुआ देखती रही, इसे जमकर इस पर सियासत की गई, इस पर वार किया। साथियों, कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक और पाखंड की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा थीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में यह निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। बीते वर्षों में उस आइलैंड के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं, उनकी बोटें गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को यह सच नहीं बताते कि कच्चा थीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी श्रीलंका ने, मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया था। डीएमके कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के ही नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार है। नरेंद्र मोदी साउथ में कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है 400 पार जाना है तो तमिलनाडु में कमल तो खिलाना होगा, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के निशाने पर वो सीटें भी हैं जिस पर कभी एक परिवार का कब्जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र की बारामती सीट, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट। बारामती सीट पर शरद पवार एंड फैमिली हमेशा से जीतते आई है, तो रायबरेली से सोनिया गांधी का कब्जा हर कोई जानता है, लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत अलग है।
आपको एक एक करके बताती हूँ और पहले बात बारामती की करती हूँ। बारामती महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट, लेकिन उसका नाम पूरे देश में फेमस है। उसकी वजह है शरद पवार। शरद पवार यहां से 6 बार सांसद रहे, विधायक रहे और 4 बार महाराष्ट्र के सीएम भी रहे, केंद्र में मंत्री रहे। शरद पवार के बाद 2009 से 2019 तक उनकी बेटी सुप्रिया सुले यहां से चुनकर लोकसभा पहुंचती रही, लेकिन इस बार लड़ाई अलग है। इस बार परिवार ही परिवार के खिलाफ है। बारामती में पवार वर्सेस पवार की लड़ाई है। ननद और भाभी आपके सामने हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को कैंडिडेट बनाया है, तो वहीं शरद पवार ने अपनी बेटी और यहां से जीत की हैट्रिक लगा चुकी सुप्रिया सुले को मैदान में उतारा है। मतलब एक और शरद पवार के भतीजे की पत्नी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। परिवार के बीच की ही ये लड़ाई है। इस बीच अजीत पवार ने इमोशनल कार्ड खेल दिया। बारामती में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि बारामती के लोगों ने 1991 से लेकर अब तक पवार फैमिली को सपोर्ट किया है और पिता बेटे बेटी के बाद अब नंबर बहू को जिताने का है। आणि फार तर असाही मनात विचाराना की 3 वेळा खासदार किला 91 ला खासदार किला लेखाला निवडून दिलं म्हणजे मला, नंतर वडिलांना निवडून दिलं म्हणजे साहेबांना, नंतर लेकीला निवडून दिलं 3 वेळा म्हणजे सुप्रियाला, आता सुनेला निवडून द्या सगळी ठिकाण पाठ। वडील पण खुश, लेख पण खुश, कन्याही खुश आणि सुनही खुश आणि तुम्ही खुश। मित्रांनो, ही निवडणूक देशाच्या 140 कोटी जनतेच्या भवितव्याची। बारामती सीट पर ननद भाभी लड़ाई है। अजीत पवार अपनी पत्नी को जिताने के लिए हर सियासी पैंतरा भी अपना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले का कहना है कि वो अजीत पवार को प्रतिद्वंदी की तरह नहीं देखती हैं, बल्कि केवल विकास और काम के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन प्रतिद्वंदी किस समय घर में थे, आज प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं जनता के सामने। मैं उनको प्रतिद्वंदी समझती नहीं। मेरी लड़ाई इस देश की सेवा के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो मेरा आइडियोलॉजिकल और मेरा एजेंडा पूरा क्लियर है मेरे लिए, और इस देश की सेवा करने के लिए और मैं अच्छी पॉलिसी और एक अच्छे बदलाव के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। आज एक जिक्र वो दूसरा भी कर रहे थे अजीत पवार खासकर, कि विजय शिवतारे जो कभी खिलाफ में थे अजीत पवार के, अभी वो साथ में आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कुछ फोन कॉल्स देखे हैं जो विजय शिवतारे ने दिखाए, देवेंद्र फडणवीस को दिखाए, मुख्यमंत्री को दिखाए, जो उनके ही घर से यानी कि आपकी ओर से आए थे, कि समर्थन न करें और खिलाफ में, हाँ खिलाफ में खड़े रहे आप लोग के। हमारा नाम लिया नहीं, नाम लिया जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे वो आपकी ओर से आए, तो आपको उनको ही पूछना पड़ेगा कि उनका कहने मतलब कि उनके खिलाफ प्लांट किया जा रहा था विजय शिवतारे। अभी इस सारे प्रश्नों के सवाल उनको ही पूछने पड़ेंगे ना, मुझे कैसे पता क्या हुआ है। हम जब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बारामती की घूम रहे थे तो लोगों से बात करते हुए कई लोगों के से जिक्र आया कि यहाँ का विकास तो अजीत पवार ने ही किया है, कई चीज़ों पे उनका हमेशा ध्यान रहता है, वो फिर वो बस डिपो की बात करते हैं, फिर पंचायत समिति की बात करते हैं, ये सब दादा करते हैं। साथी तो थे, साथी सब मिलके करते थे, एक ही तो थे, महाविकास आघाड़ी में तो थे हर हर समय, वही तो हमारे सब साथ थे, तो वही तो नेता थे ना, तो कौन करेगा, नेता ही तो करता है ना सब। और रोल्स भी अलग है ना, वो तो लोकल एमएलए है, मैं तो एमपी हूँ, तो मेरा एमपी का जो काम है तो वही पूरी निष्ठा से करती थी। वो एमएलए है जो, देर इज अ डिविजन ऑफ पावर ना। जल जीवन मिशन प्रोग्राम किसका है, केंद्र सरकार का है। रेलवेज किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पंचायत किसका काम है, पंचायत का काम है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रिया सुले बारामती में जीत का चौका लगा पाएंगी, क्योंकि उनके रास्ते में उनकी ही भाभी खड़ी हैं। भले ही वो उन्हें अपनी प्रतिद्वंदी ना माने, लेकिन जनता तो इसी आधार पर चुनेगी, या तो वो सुप्रिया सुले को चुनेगी या फिर वो सुनेत्रा पवार को चुनेगी। तो प्रतिद्वंदी तो हैं, उन्हें चुनौती मिल रही है, भाभी सुनेत्रा पवार से मिल रही है। इन्हें लेकर सुप्रिया सुले कहती हैं कि बात एक परिवार की नहीं है, किसी को खुश करने की नहीं है, बल्कि देश की सेवा करने की है।
जब उन्हें आप सुमित्रा पवार को जब आप घूमते हुए देखती हैं, प्रचार कर रही हैं, आप नोटिस कर रही होंगे उनके मुद्दे, नोटिस कर रही होंगे, तो क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं फॉलो करती, मैं मेरे काम में इतने फंसी आपके प्रतिद्वंदी हैं तो क्या, लेकिन दूसरे के घर में नहीं झांकती। और मुझे इस देश के कोर इश्यूज क्या है वो पता है, मेरी लड़ाई उनसे बिल्कुल है ही नहीं। मेरी लड़ाई ये जो गलत नीतियां केंद्र सरकार की है उसके खिलाफ है। मैं इंडिविजुअल किसी के साथ कभी भी नहीं लड़ती। आज अजीत पवार ने बारामती में एक सभा के दौरान कहा कि 1991 के चुनाव में, यानी कि अजीत पवार को लोगों ने लोकसभा में भेजा, उसके बाद पवार साहब को भेजा, फिर आपको भेजा, और अब बारी है बहू को भेजने की, तो जिम्मेदारी निभा दीजिए ताकि सब खुश हो जाए और आप लोग भी खुश हो जाए। ये क्या कहूँ मैं, ये कोई घर की बात नहीं है, ये देश की सेवा की बात है। किसान के प्यास को पैसा नहीं मिल रहा है, दूध शहर में महंगा हो रहा है और गांव में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो ये आप और मेरी बात नहीं है, ना किसी को खुश करने की बात है, ये देश की सेवा करने की बात है। अब फैसला तो बारामती की जनता को करना है कि वो शरद पवार की बेटी सुप्रिया फुले पर अपना भरोसा कायम रखती है या फिर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को मौका देती है। लेकिन बारामती से सुनेत्रा की उम्मीदवारी पर सवाल उठा रही हैं। उनका कहना यह है कि बीजेपी बारामती सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकती थी, लेकिन उन्होंने साजिश के तहत पवार फैमिली को तोड़ने की कोशिश की। के बीच घूम रही हैं, कितने मार्जिन से लगता है कि आप ये चुनाव जीत जाएंगे? मार्जिन तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी ईमानदारी देखिए, और मेरी ईमानदारी मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे विरोधी भी कहते हैं कि सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है, मेरा पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस, मैंने किया डेवलपमेंट जॉइंट, मैं कभी नहीं कहूँ सबने मैंने नहीं किया। हम महाराष्ट्र में जहां पवार परिवार में जंग देखने को मिल रही है, प्रतिद्वंदी भले ही ना हो लेकिन द्वंद तो है और ये तय है। वही उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार आमने सामने है, एक द्वंद वहां पर भी है। एक तरफ बीजेपी ने मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया, दूसरी तरफ सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं। मेनका गांधी वैसे तो राहुल और प्रियंका पर बोलने से परहेज करती आई हैं, लेकिन इंडिया टीवी पर आज मेनका गांधी ने गांधी परिवार पर खुलकर बात की। मेनका गांधी ने प्रशांत किशोर के उस बयान के लिए अपनी सहमति भी जता दी जिसमें वो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने के लिए कह रही हैं। मेनका गांधी ने रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा की उम्मीदवारी को लेकर भी तंस कसा। मैं क्या हुआ आप देखती, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे मैं भी लड़ना चाहता हूँ अमेठी से, अब वो कुछ कहे दैट्स अप टू हिम। लेकिन आपको लगता है कि वो अच्छे उम्मीदवार होंगे अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा? नहीं, नहीं होंगे। अच्छा, क्या क्या वजह? उनको राजनीति की कोई अनुमति, यू नो, नो एक्सपीरियंस। No, ये देश आगे बढ़ चुका है केवल दामादों से। आपने दामाद की बात की, राहुल गांधी की भी बात कर रहे थे, उनको कैसा नेता आप देखती हैं? आपने सोनिया गांधी को भी देखा, उनका अभी लंबा टाइम रहा पॉलिटिक्स में, अभी भी पॉलिटिक्स में है, तो राहुल गांधी को, क्योंकि अभी ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ब्रेक ले लेना चाहिए क्योंकि 10 साल से वो पार्टी को खड़ा नहीं कर पा रहे। आई एग्री विद हिम। आपको भी लगता है राहुल को ब्रेक ले लेना चाहिए? मुझे लगता है कि यू नो, हर पार्टी में या तो एक बड़ा लीडर हो या तो एक बड़ा आइडिया हो। अब जब दोनों नहीं हैं तो पार्टी आगे कैसे बढ़े? या तो एक बहुत बड़ा आइडिया जनरेट करे, पार्टी खड़ी हो जाती है, या तो एक बहुत बड़े लीडर अपने आप को बनाए। दोनों मुश्किल हैं। आप क्या सलाह देंगी राहुल गांधी? मैं कोई सलाह नहीं देती हूँ किसी को भी। तब भी क्या कहेंगी कि उनको जैसा? मैं कुछ नहीं दे सकती सलाह, नहीं देंगी चला। लेकिन मैं उन लोगों को दूं जो सुने। रायबरेली में गांधी परिवार का प्रियंका गांधी आ सकती है, वहां से चुनाव लड़ सकती है। रायबरेली बहुत सालों से उनकी दादी, उनकी माँ लड़ रही थी, तो जरूर कोई असर होगा। लेकिन आए तो